हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। कल हमने शुरू किया था सिगमंड फ्रॉयड के बारे में और हम उसी को आगे ही पढ़ेंगे, तो हम पहले थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं ताकि हमें जो कल पढ़ा था वो फ्रेश हो जाए। तो कल हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉयड एक फिजिशियन थे पहले, और बाद में उनका इंटरेस्ट बना था साइकोलॉजी में क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में देखा था। और उनका कहना है कि अनकॉन्शियस माइंड को अगर रीड कर लिया जाए तो एक इंसान के बारे में फुल्ली नॉलेज हम ले सकते हैं। हम एक इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अनकॉन्शियस के बारे में जानकर। और कल हमने पढ़ा कि सिगमंड फ्रॉयड ने माइंड के तीन पार्ट बताए हैं। कितने पार्ट बताए थे? माइंड के तीन पार्ट बताए थे, और वो तीन पार्ट क्या थे? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और इसी को क्या कहा जाता है? आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है। जिसमें एक आइस की एक इमेज दिखाई थी मैंने कि एक आइस होती है और जिसका कुछ पार्ट अंदर होता है, कुछ पार्ट पानी के बाहर होता है। और हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉयड ने बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था इड होता है, इड जिसमें होगा उसमें एनिमल बिहेवियर ज्यादा होता है, और जिसमें ईगो होता है ईगो वाले में ह्यूमन बिहेवियर होता है, और सुपर ईगो में मॉरल बिहेवियर ज्यादा होता है। तो उससे आगे ही हम पढ़ेंगे अब इंस्टिंक्ट के बारे में। सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि मानव में यानी कि ह्यूमन बीइंग में दो तरह की इंस्टिंक्ट पाई जाती हैं। कितने तरह की? दो तरह की इंस्टिंक्ट पाई जाती हैं और ये जन्मजात होती हैं। कितनी तरह की पाई जाती हैं गाइस? दो तरह की। तो दो तरह की इंस्टिंक्ट कौन कौन सी हैं, चलिए हम जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि इंस्टिंक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इंस्टिंक्ट को यहां पे मैं लिख देती हूँ, हिंदी में कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, और यह दो मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रॉयड ने कौन कौन सी बताई हैं? पहले नंबर पे उन्होंने बताया है कि ह्यूमन में एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट को हिंदी में कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? जीवन मूल प्रवृत्ति। और डेथ इंस्टिंक्ट को हिंदी में कहा जाता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो यह थे इनके हिंदी में नाम, और हम जानते हैं कि इनमें क्या क्या बताया गया है। तो पहले जानते हैं हम लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में। लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में कहा है कि यह एक पॉजिटिव हमारी होती है, कि पॉजिटिव वे में होती है, और डेथ इंस्टिंक्ट को कहा जाता है नेगेटिव में। और क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि सिगमंड फ्रॉयड ने कौन सी इंस्टिंक्ट को पॉजिटिव और कौन सी इंस्टिंक्ट को नेगेटिव कहा है। तो हम अगर किसी को नहीं भी पता तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ है जीवन और जीवन, और यहाँ पर है मृत्यु। जीवन को हम पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और मृत्यु को हम नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। तो यहां से भी अंदाजा लगा के हम सही आंसर कर सकते हैं कि लाइफ होती है पॉजिटिव और डेथ होती है नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक मूल प्रवृत्ति होती है ये। और इनको एक और नाम से जाना जाता है दोनों से, उससे भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उस नाम को भी जान लेते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट को एक और नाम दिया गया है, वो है इरोज, और डेथ इंस्टिंक्ट को नाम दिया गया है थोनोट्स का, थोनोट्स। यह इनके दूसरे नाम है, और इनसे सीधे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ईरोस कौन सी लाइफ इंस्टिंक्ट को कहा गया है और थोनोट्स कौन सी लाइफ इंस्टिंक्ट को कहा गया है। चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में लाइफ इंस्टिंक्ट में क्या होता है। जब भी हम किसी अच्छे कार्य को करने की सोचते हैं तो वो होता है हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट में। क्या होता है? अच्छा काम करने की सोच या अच्छा कार्य करने की सोच लाइफ इंस्टिंक्ट में होती है, और
रचनात्मक कार्य, कौन सा कार्य? रचनात्मक कार्य, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वर्क भी लाइफ इंस्टिंक्ट में आता है, कार्य या वर्क यह भी आता है लाइफ इंस्टिंक्ट में, और अपनी जाति का प्रजनन करना भी लाइफ इंस्टिंक्ट में आता है। देखिए, लाइफ है यानी कि एक नए जीव को दुनिया में लाना, प्रजनन कार्य भी इसी में होता है। तो एक पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, अपनी जाति का प्रजनन, अपनी जाति का प्रजनन करना भी लाइफ इंस्टिंक्ट में आता है। और एक इसमें एक और चीज कही है फ्रॉयड ने, वो कहा है कि सेक्सुअल मोटिवेशन भी हमें इसी इंस्टिंक्ट में होगा। कौन सा मोटिवेशन? सेक्सुअल मोटिवेशन। यहां पर इसे नेगेटिव नहीं माना गया है, ये पॉजिटिव ही है, जिससे हम अपनी एक नई जाति को, अपने जाति को आगे बढ़ाते हैं, प्रजनन कार्य करते हैं इसके लिए। और डेथ इंस्टिंक्ट में जानते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं। डेथ इंस्टिंक्ट के लिए कहा गया है कि इसमें जब भी हमारे मन में कुछ बुरा कार्य करने की इच्छा होती है, लड़ाई झगड़े जैसे काम होते हैं, वो इसी में होते हैं। कौन सा कार्य? लड़ाई झगड़े वाली सोच या लड़ाई झगड़ा इसी में होता है। और आक्रामक व्यवहार, कौन सा व्यवहार? आक्रामक यानी कि गुस्से वाला व्यवहार इसी में होता है, जिसे हम इंग्लिश में अग्रेसिव बिहेवियर भी कहते हैं। और अग्रेसिव मोटिवेशन भी नेगेटिव यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट में होता है। उसमें था सेक्सुअल मोटिवेशन, और इसमें कौन सा मोटिवेशन हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट में अग्रेसिव मोटिवेशन, मोटिवेशन। और क्या कहा था फ्रॉयड ने कि इन दोनों ही इंस्टिंक्ट से हमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, संतुष्टि होती है। अब आप कहेंगे लड़ाई झगड़े में या आक्रामक व्यवहार में, अग्रेसिव मोटिवेशन में, नेगेटिव में हमें कैसे खुशी मिल सकती है, कैसे हमें संतुष्टि मिलेगी? तो जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद करें कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या हमें संतुष्टि मिलती है, क्या हमें खुशी मिलती है? नहीं मिलती। तो जब हमें गुस्सा आता है तो हम, या अगर हमारा गुस्सा एक्सप्रेस हो गया है, या फिर हमें कोई ऐसा मिल गया है जिसके सामने हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सके, अपनी भड़ास निकाल सके, तो हमें संतुष्टि मिलती है, हल्का फील होता है एक्सप्रेस करने के बाद। तो क्या मिला फिर हमें? खुशी मिली, संतुष्टि मिली एक्सप्रेस करने के बाद। इसीलिए कहा गया है कि दोनों इंस्टिंक्ट से हमें खुशी मिलती है। और अब हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्रॉयड ने कुछ स्टेज दी हैं जिन्हें कहा गया है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज, या फिर इसे अगर थ्योरी का नाम दिया जाए तो इसको थ्योरी में कहा जाएगा साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो उससे पहले हम एक चीज है, जो एक पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि वह पॉइंट क्या है। तो वह पॉइंट है, यहां पर मैं बता देती हूं, लिबिडो कॉन्सेप्ट। लिबिडो कॉन्सेप्ट, तो सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि लिबिडो एक ऐसी चीज है, लिबिडो को कहा जाता है, क्या मतलब होता है इसका? लिबिडो को, लिबिडो का मतलब होता है काम कामुकता या काम भावना, कामुकता या काम भावना। और इसको हम सेक्सुअल, इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल एनर्जी होती है और यह जन्म से ही होती है। सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि जो हमारी लिबिडो एनर्जी है, यह जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है, और यदि इस लिबिडो एनर्जी को बाहर नहीं निकाला गया या बाहर नहीं निकाली गई यह एनर्जी, तो आगे चलकर बच्चा गलत कार्य कर सकता है, बुरे रास्ते पर चल सकता है। और यह लिबिडो क्या होता है? लिबिडो ये होता है यानी कि फिजिकल प्लेजर के लिए मोटिवेशन होता है यहाँ पर इंसान। और आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा अपना अंगूठा चूसता है तो उसे वो क्यों चूसता है, क्या मिलता है आखिर उसे अंगूठा चूसने से? तो बच्चे को अंगूठा चूसने से मिलता है प्लेजर, उसे अच्छा फील होता है अंगूठा चूसने से।
और वह कार्य यह बच्चा लिबिडो यानी कि काम भावना से ही करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी टॉय आ जाए या फिर कोई कुछ भी रोटी का टुकड़ा कर या कुछ भी आ जाए सामने बच्चे के, तो सीधा वह कहाँ जाता है, उसके मुंह के अंदर जाता है, बच्चा उसे चूसने लग जाता है, शकिंग बिहेवियर करता है। तो यह बच्चा लिबिडो एनर्जी के अंतर्गत करता है। तो यह था लिबिडो। तो कॉन्सेप्ट ये आ सकता है एग्जाम में कि लिबिडो कॉन्सेप्ट या लिबिडो एनर्जी का जिक्र किसने किया है, तो वह किया है सिगमंड फ्रॉयड ने। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं अब साइको सेक्सुअल थ्योरी के बारे में और जानेंगे कि उन्होंने कितनी स्टेज दी हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं साइको सेक्सुअल स्टेज, आप भी हेडिंग डाल दीजिए साइको सेक्सुअल थ्योरी या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसे हिंदी में कहा जाएगा मनोलैंगिक सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या विकास की अवस्थाएं। तो हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने अवस्था दी हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने पांच अवस्था दी हैं या पांच स्टेज दी हैं, जो कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। पहले हम नाम लिख लेते हैं फटाफट से। तो पहली स्टेज है, उनका नाम है ओरल स्टेज, पहली स्टेज है ओरल स्टेज। एंड सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। एंड फोर्थ है लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ एंड लास्ट है जेनिटल स्टेज। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले नंबर क्या है, फर्स्ट ओरल स्टेज, ओरल स्टेज, और इसको हिंदी में कहा जाता है मुखावस्था, मुखावस्था। और इसकी आयु क्या बताई गई है, बर्थ से दो साल, बर्थ से टू ईयर, यानी कि जन्म से दो साल की यह अवस्था मानी गई है। और इसमें सिगमंड फ्रॉयड क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि बच्चा, जैसे कि लिबिडो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि बच्चे के सामने कोई भी चीज आ जाती है तो सीधे उसके मुंह में जाती है, यानी कि बच्चे का इसमें मुख्य बिहेवियर क्या रहता है, चूसना, शकिंग करना किसी भी चीज को, और इसी के जरिए वह अपने कौन सा काम करता है, वह अपनी इसी बिहेवियर के जरिए अपना काम बिहेवियर शो करता है बच्चा। और यहां पर अपने सारे काम, जितने भी काम होते हैं बच्चे के, सारे काम किससे होते हैं, अपने मुंह से होते हैं। तो यहां पर उसका मेन पॉइंट क्या होता है, मुख यानी कि माउथ, सारा सब कुछ बच्चा यहां पर मुंह से करता है। कुछ भी बच्चे के सामने आप रख दोगे तो वह सीधा उसके मुंह में ही जाएगा, उसको चबाने लगेगा या फिर उसको चूसने लग जाएगा। यहां पर बच्चा अंगूठा भी चूसता मिलेगा, खिलौने भी चूसता मिलेगा, क्योंकि उसमें यहां पर बिहेवियर होता है, उसका मेन होता है शकिंग बिहेवियर। और यहां पर यह कहा गया है इस स्टेज में, अगर उसकी इस बिहेवियर को पूरा नहीं किया गया अच्छे से, उसको यह कार्य नहीं करने दिया गया, तो आगे चलकर उसमें अंगूठा चूसने जैसी हरकतें भी पाई जाती हैं। कई बार देखा गया होगा कि एक बच्चा है, अब दो साल तक तो बच्चे का ये नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन एक 10-12 साल का बच्चा अंगूठा चूसता हुआ दिखाई दे तो यानी कि उसकी इस स्टेज में जो शकिंग बिहेवियर था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, वो उसका इस एज में पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आगे जाकर उसमें ये हैबिट बन गई कि उसका शकिंग बिहेवियर जारी रहा, तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। तो ये था ओरल स्टेज। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा कोई भी खिलौना है, कुछ भी हो, दिखाई देता है तो सीधा उसके मुंह में जाता है, तो वह कौन सी स्टेज है, वह है ओरल स्टेज। सेकंड स्टेज बताई है सिगमंड फ्रॉयड ने, जैसे कि हमने नाम में लिखा है आगे, पहले सारे नाम लिख लिए थे, एनल स्टेज। एनल स्टेज को हिंदी में कहा जाता है गुदा अवस्था, क्या कहा जाता है, गुदा
अवस्था। और इसकी आयु क्या बताई गई है? इसकी आयु बताई है 2 से 3 साल, 2 से 3 ईयर, 2 to 3 ईयर। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब बच्चा इस एज में होता है तो बच्चे को टॉयलेट को रोकना बहुत अच्छा लगता है। टॉयलेट को जब बच्चा रोकता है तो बच्चे को प्लेजर फील होता है और वह ट्राई करता रहता है कि कैसे हम अपने जो टॉयलेट है उसको रोकें। और फिर जब उसका प्रेशर बन जाता है और प्रेशर के बाद जब रिलीफ करता है, जब भी जाता है टॉयलेट के लिए और प्रेशर के बाद जब भी वो टॉयलेट करता है तो उसे प्लेजर फील होता है ऐसी एक्टिविटी में। तो मेन क्या कहा है सिगमंड फ्रॉयड ने कि जितनी भी स्टेज आएंगी उसको प्लेजर कैसे कैसे मिल रहा है ये बताया गया है। और पहले वाले स्टेज में बच्चे को प्लेजर कैसे मिल रहा था? किसी भी चीज को चूसने से, किसी भी चीज को शक करने से। और सेकंड में क्या कहा कि टॉयलेट को रोकने से और जो प्रेशर बन जाए तब टॉयलेट करने से उसको काफी अच्छा फील होता है, प्लेजर मिलता है। यानी कि जो नेचुरल एक्टिविटी होती है हमारी डेली रूटीन की, उसमें बच्चे को अच्छा लगता है ये करना रेडी। और एक क्वेश्चन इससे ये आ सकता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी अवस्था में होती है? तो टॉयलेट ट्रेनिंग इसी अवस्था में होती है, यहीं पर बच्चे को सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको वॉशरूम यूज करना है, कैसे आपको टॉयलेट करना है। तो यह थी सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज में है फैलिक स्टेज। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फैलिक स्टेज को हिंदी में कहा जाता है शेषणावस्था। क्या कहा जाता है? शेषणावस्था। और इसकी आयु मानी गई है 3 से 6 साल, 3 से 6 साल की अवस्था मानी गई है फैलिक स्टेज की। और इसमें क्या होता है? इसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यह क्या होता है चलिए जानते हैं। एक होता है ओडिपस और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यह क्या होता है इसको हम जानते हैं अभी। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है यह होता है बॉयज को, किसको होता है? बॉयज को। और यह होता है गर्ल्स को, किसको होता है? यानी कि लड़कियों को होता है ये वाला, यहां पर लिख देती हूं लड़कियों को। और कैसे याद रखेंगे? देखिए जैसे इलेक्ट्रा है, आ लिखा है आ, यहाँ पे ओडिपस है तो इलेक्ट्रा और ओडिपस दोनों। देखिए ओडिपस तो लगता है जैसे किसी लड़के का नाम है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि लगता है किसी लड़की का नाम है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो बॉय होता है वह अपनी मदर्स के अट्रैक्ट होता है, मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और लड़की यानी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और यह एक तरह की जेलसी होती है जो जिसको लड़के को जाएंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स में एक लड़का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वह यहां पर वह अपने फादर से जेलसी फील करता है कि जैसा फादर को अटेंशन मिल रहा है, फादर को जैसा प्यार मिल रहा है मुझे भी वैसा ही प्यार मिले और फादर ना रहे। इसमें जेलसी फैक्टर पाया जाता है फादर के रिगार्डिंग। और इसमें मेन क्या क्वेश्चन आ सकता है? मेन इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है सीधे सीधे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, या फिर लाइन सीधी लिखी आ सकती है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक लड़का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर अपने फादर से जेलसी फील करता है, तो वह होता है ओडिपस। और ठीक उल्टा होता है लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़कियां अपने फादर के तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मदर से वह जेलसी फील करती हैं और वह अपनी मदर की जगह लेना चाहती हैं, ऐसा कहा है सिगमंड फ्रॉयड ने कि जेलसी फील करती हैं जैसा बॉय करते हैं जेलसी फील अपने फादर से, तो ठीक वैसे ही यहां पर लड़की जेलस होती है अपनी मदर से तो, और अपने फादर के लिए वह काफी अट्रैक्ट फील करती है। तो इसीलिए यह स्टेज काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में जिक्र किया गया है सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा। इसके बाद चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज क्या है?
क्या नाम था फोर्ट का? लेटेंसी स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था, और जिसकी आयु बताई गई है 6 से 12 साल, 6 से 12 साल की आयु बताई गई है। और इसमें जो हमारी लिबिडो एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है, यानी कि जो हमारी कामुकता होती है वह बहुत कम होती है। और यह कौन सी एज है? यह वह एज है जिसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, प्लेग्राउंड में जाता है, गैंग बनाता है, प्लेग्राउंड में जाता है और गैंग यानी कि अपने फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर बच्चा बाहर निकलता है, बाहर अपना टाइम स्पेंड करता है, लोगों से मिलता है और न्यू फ्रेंड बनाता है। तो यहाँ पर उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत, लिबिडो एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही लो में चली जाती है। सबसे लो यह भी आ सकता है कि लिबिडो एनर्जी सबसे लो कौन सी स्टेज में होती है? तो सबसे लो होती है लेटेंसी स्टेज में। यहाँ पर बच्चे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाहर स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलने और नए दोस्त बनाने से होता है। तो इस स्टेज में इतना ही होता है और बच्चा ज्यादा से ज्यादा बाहर ही समय व्यतीत करता है, नए फ्रेंड बनाता है और उसकी जो मोस्टली एनर्जी होती है वो खेल कूद में ही जाती है। तो इसी वाले आगे वाले स्टेज में देखते हैं कि क्या कहा सिगमंड फ्रॉयड ने। अब है लास्ट स्टेज सिगमंड फ्रॉयड की, जिसका नाम है नंबर 5th, लास्ट स्टेज, जेनिटल स्टेज, जिसको हिंदी में कहा गया है जननेंद्रिया अवस्था, जननेंद्रिया अवस्था। और इसकी एज मानी गई है 12 से 18 साल, 12 से 18 साल की मानी जाती है। और इस एज में एक ऐसा मेन चीज होती है, इसमें एक ऐसी मेन चीज होती है कि यहां पर बॉय अट्रैक्ट टूवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स गर्ल्स। यानी कि यहां पर बच्चा, पहले स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा गैंग बनाने लग जाता है, फ्रेंड बनाने लग जाता है, और इस स्टेज में बच्चा शुरुआत में एक लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी कि जो वो खेल के ग्रुप बनाते हैं तो लड़कियां तो खेलेंगी लड़कियों के साथ और लड़के खेलेंगे लड़कों के साथ में। और क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी स्टेज है जहां पे होमोसेक्सुअलिटी देखी जाती है। तो ये क्या होता है कि सेम सेक्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना, यानी कि अगर बॉय है तो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होंगी, गर्ल है तो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस स्टेज को यहां पे क्या कहा गया है, इसको होमो सेक्सुअल स्टेज भी कहा गया है या फिर होमो सेक्सुअल एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम। और जब बच्चा, यह तो होता है कि जब बच्चा 12 से 15 साल की एज में होता है तब उसमें अंदर होती है ये वाली चीज, होमोसेक्सुअलिटी स्टेज या फिर होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि होमोसेक्सुअल स्टेज या फिर होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसे 12 से 15 में, तो हिट्रोसेक्सुअल कब होगा? तो वो होता है 15 से 18 की, जब उसकी उम्र हो जाती है बच्चे की, तो उसमें देखा जाता है कि अब लड़का यानी कि बॉय अट्रैक्ट होता है गर्ल की तरफ और गर्ल अट्रैक्ट होती है बॉय की तरफ, और इसे कहा गया है हिट्रो सेक्सुअल स्टेज या फिर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं हम। यानी कि यहां पर वो ग्रुप बनाते हैं अपने ऑपोजिट सेक्स के रिगार्डिंग या टुवर्ड्स, यानी कि यहां पर वो अट्रैक्ट होंगे अपने ऑपोजिट सेक्स के तरफ। और इसमें जो लिबिडो एनर्जी होती है बहुत हाई लेवल पे होती है, लिबिडो एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। और यह देखिए एज जैसा कि दिखाई दे रहा है हमें कि एज ये कितनी बताई गई है इसकी 12 से 18 साल, यानी कि खत्म होते होते बच्चा किशोरावस्था में आ गया है, यानी कि किशोरावस्था में। और यहां पे आप जानते भी हैं कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है यानी कि जवानी में पैर रख देता है तो
चांसेस तो होते ही हैं यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, और यही वह एज है जिसके बारे में कई साइकोलॉजिस्ट ने यह भी कहा है, कई डेफिनेशन में देखी गई है कि हम आम भाषा में तो यूज करते ही हैं कि जब यहां पर संभल गए तो यानी कि पूरी लाइफ टाइम तक खुश रहोगे, पूरे लाइफ टाइम तक संभले रहोगे, और यहां यही वह एज है जहां पर बच्चे के चांसेस होते हैं बिगड़ने के और सुधरने के, यही होता है। और इसी स्टेज को कहा जाता है प्यूबर्टी एज, इसको क्या कहा जाता है प्यूबर्टी एज भी इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि होमोसेक्सुअल कौन सी एज में होता है बच्चा, और हेटरोसेक्सुअल कौन सी एज में होता है, और प्यूबर्टी एज कौन सी होती है, और लिबिडो एनर्जी हाई कौन से में होती है। एक तो हमारे स्टार्टिंग वाली एज जो थी ओरल स्टेज, वहां पर भी हाई होती है, और सबसे ज्यादा हाई होती है यहां पर लास्ट वाले यानी कि जेनिटल स्टेज में। और सबसे लो कौन से स्टेज में होती है, सबसे लो होती है लिबिडो एनर्जी लेटेंसी स्टेज में लो होती है। तो यह थी हमारी स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज और साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में। अभी भी सिगमंड फ्रॉयड के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं जैसे कि एंग्जाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योर सेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए अपने चैनल पर। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।